रिकर्शन, लेफ्ट फैक्टरिंग एंड एम्बिगस ग्रामर की, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लेफ्ट रिकर्शन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए नाम से ही आपको पता पड़ रहा है यहाँ पर लेफ्ट साइड से रिकर्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए एक वेरिएबल ए ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड से रिकर्शन कब कॉल, लेफ्ट साइड से रिकर्शन कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड में आपका लेफ्ट मोस्ट जो सिंबल होगा वो आपका ए होगा। जैसे कि मान लीजिए ए देन मान लीजिए स्मॉल बी, ठीक है ना, स्लैश स्मॉल है, तो ये क्या है आपका लेफ्ट रिकर्शन है यहाँ पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से आपका वेरिएबल रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये LHS जो है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से आपका ये रिपीट हो रहा है, तो ये आपका क्या है, ये लेफ्ट रिकर्शन है। रिकर्शन में क्या होगा, लेफ्ट रिकर्शन में लेफ्ट हैंड साइड से रिकर्सिव कॉल जाएगी। तो ये जब आप यहाँ पर ये प्रोडक्शन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ए एरो ए बी, और फिर देखिए फिर से अगर आप यहाँ पर यही वाला प्रोडक्शन लगाएंगे तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ए बी, और फिर से आप यहाँ पर यही वाला प्रोडक्शन लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं ए बी। तो आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो क्या हो जाएगी, देखिए पहले आपने लगाया ए बी, देन फिर से हमने इस प्रोडक्शन को लगाया तो ये आपका हो जाएगा ए बी बी, ठीक है ना, क्योंकि एक ही जगह पर हमने लिख दिया ए बी, तो ये आपका हो जाएगा ए बी बी। देन इसी तरीके से फिर हम यहाँ पर ये वाला प्रोडक्शन लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी बी बी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से रिकर्सिव कॉल जा रही है, और जब हम फाइनली मान लीजिए हम यहाँ पर ए पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा ए बी बी बी, तो ये आपका लेफ्ट रिकर्शन है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एस एरो ए बी, देन मान लीजिए ए एरो स्मॉल ए एंड बी एरो बी स्मॉल बी स्लैश स्मॉल है, तो यहाँ पर भी आपका लेफ्ट रिकर्शन है। यहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन किस प्रोडक्शन में, आपका लेफ्ट रिकर्शन इस वाले प्रोडक्शन में, देखिए यहाँ लेफ्ट रिकर्शन नहीं है, यहाँ पर भी लेफ्ट रिकर्शन नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से रिकर्सिव कॉल गई है आपका इस प्रोडक्शन में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ग्रामर जो है आपका ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, ठीक है ना। तो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर उसमें अगर आपको कोई भी एक ऐसा प्रोडक्शन मिल जाता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड से रिकर्सिव कॉल जा रही है, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि वहां पर आपका लेफ्ट रिकर्शन है। तो यहाँ पर वेरिएबल बी के लिए लेफ्ट हैंड साइड से रिकर्सिव कॉल जा रही है तो यहाँ पर आपका लेफ्ट रिकर्शन होगा। अब देखते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होती है। तो जैसे कि नाम से आपको पता पड़ रहा है लेफ्ट फैक्टरिंग यानी लेफ्ट हैंड साइड से आपकी फैक्टरिंग हो रही होगी। जैसे कि मान लीजिए हम एक प्रोडक्शन लिखते हैं ए एरो स्मॉल ए कैपिटल बी स्लैश स्मॉल ए कैपिटल ए, तो यहाँ पर जो देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड से स्मॉल ए फैक्टर कॉमन है तो इसको बोला जाएगा लेफ्ट फैक्टरिंग, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से आपका एक फैक्टर कॉमन है। तो ये प्रोडक्शन अगर आपके ग्रामर में है तो हम बोलेंगे कि आपके ग्रामर जो है उसमें लेफ्ट फैक्टरिंग है, ठीक है ना। या मान लीजिए कि ये लेफ्ट फैक्टरिंग इस तरीके से भी हो सकती है एल्फा बीटा देन कैपिटल ए स्लैश एल्फा बीटा कैपिटल बी, तो यहाँ पर आपका लेफ्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से जो फैक्टर कॉमन है वो हो जाएगा आपका अल्फा बीटा। तो जरूरी नहीं है कि ये आपका एक टर्मिनल हो, ठीक है ना, ये आपका वेरिएबल भी हो सकता है जो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन हो, या वेरिएबल और टर्मिनल का कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया वी एरो स्मॉल ए बी कैपिटल ए स्मॉल ए डी स्लैश ए बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ई, यहाँ पर आपका लेफ्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा वो लेफ्ट फैक्टर आपका ये हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इन दोनों प्रोडक्शंस में जो आपका है लेफ्ट फैक्टरिंग है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से आपका ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन है। देखिए इस टाइप का प्रोडक्शन भी हो सकता है लेफ्ट फैक्टरिंग में, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा ए एरो बी डी स्लैश बी सी देन बी एरो स्मॉल बी डी एरो स्मॉल डी एंड सी एरो स्मॉल सी, तो यहाँ पर भी आपका ये लेफ्ट हैंड साइड से आपका ये वाला फैक्टर कॉमन है तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपका लेफ्ट फैक्टरिंग है। तो अगर मान लीजिए आपके ग्रामर में कोई ऐसा प्रोडक्शन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड से फैक्टर आपके कॉमन आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो आपका लेफ्ट फैक्टरिंग ग्रामर है, ठीक है ना। तो हमने दो चीज़ें देखी, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर देखा हमने और लेफ्ट फैक्टरिंग ग्रामर देखा, और हम आपको एम्बिगस ग्रामर ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि लेफ्ट फैक्टरिंग या लेफ्ट रिकर्शन या एम्बिगटी का आपका कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है ना, इन तीनों में आपका कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि एक ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन हो और वो एम्बिगस हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन हो और वो अनएम्बिगस हो। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि एक ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है और वो एम्बिगस है, या हो सकता है कि एक ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन हो और वो आपका अनएम्बिगस हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग हो और वो एम्बिगस हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग हो और वो अनएम्बिगस हो, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि एक ग्रामर एम्बिगस हो और उसमें लेफ्ट रिकर्शन भी ना हो और उसमें लेफ्ट फैक्टरिंग भी ना हो, या ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट रिकर्शन
और लेफ्ट फैक्टरिंग की वजह से ग्रामर आपका ग्रामर एम्बिगस हो, ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट फैक्टरिंग दोनों है और वो ग्रामर आपका एम्बिगस है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट फैक्टरिंग दोनों ही एबसेंट है लेकिन फिर भी ग्रामर आपका एम्बिगस हो, ठीक है ना। इसका मतलब लेफ्ट रिकर्शन, लेफ्ट फैक्टरिंग और एम्बिगेटी में आपका कोई भी रिलेशन नहीं होता है। जैसे कि इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर आपका लेफ्ट फैक्टरिंग है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका लेफ्ट फैक्टरिंग है और ये आपका एक एम्बिगस ग्रामर है, क्योंकि इसके लिए आप दो पार्स ट्री बना सकते हैं। फर्स्ट पार्स ट्री हो जाएगा आपका ये और दूसरा पार्स ट्री हो जाएगा ए, एस और लैम्डा। तो स्ट्रिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू ए के लिए यहाँ पर आप मोर देन वन पार्स ट्री एग्जिस्ट करते हैं, तो हमेशा बोल सकते हैं ग्रामर आपका ये एम्बिगस है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपका ये क्या हो रहा है, आपका लेफ्ट फैक्टरिंग है, ठीक है ना, लेफ्ट फैक्टरिंग है और ये एम्बिगस है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग है और ये ग्रामर आपका एम्बिगस है, ठीक है ना। लेफ्ट फैक्टरिंग भी है और ये ग्रामर एम्बिगस भी है। दूसरे तो इस ग्रामर में क्या था, आपका ये लेफ्ट फैक्टरिंग था और ये एम्बिगस थी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है, आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस ग्रामर में आपका लेफ्ट रिकर्शन है, ठीक है ना, आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है और ये ग्रामर भी आपका एम्बिगस होगी क्योंकि आपके पास स्ट्रिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू ए के लिए दो पार्स्ट्री होंगे। फर्स्ट पार्स्ट्री ये हो जाएगा और सेकंड पार्स्ट्री यहाँ पर हो जाएगा एस ए और एस की जगह पर जब हम लैम्डा पुट कर देंगे तो आपको ए मिल जाएगा। तो स्ट्रिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू ए के लिए आपके पास मोर देन वन पार्स्ट्री है तो ये ग्रामर भी आपका एम्बिगस हो जाएगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ इस ग्रामर में आपका लेफ्ट रिकर्शन है और ये ग्रामर आपका एम्बिगस है, ठीक है ना। इस ग्रामर में आपका लेफ्ट रिकर्शन है और ग्रामर आपका एम्बिगस है। अब जरा इसको देखिए, इस ग्रामर में भी आपका लेफ्ट रिकर्शन है, इस ग्रामर में भी आपका लेफ्ट रिकर्शन है और ये एम्बिगस है क्योंकि एस एरो लैम्डा, ठीक है ना, स्ट्रिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा के लिए हम यहाँ पर मोर देन वन पार्स ट्री बना सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो आप इन्फिनिट पार्स ट्री भी बना सकते हैं, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, या आप इस तरीके से भी बना सकते हैं एस एस लैम्डा 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 और भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने इन्फिनिट पार्स ट्री होंगे फॉर स्ट्रिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा, तो मोर देन वन पार्स ट्री एग्जिस्ट करता है फॉर स्ट्रिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा के लिए, तो ये ग्रामर भी आपका एम्बिगस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपका लेफ्ट रिकर्शन है और ये ग्रामर आपका एम्बिगस भी है। इसको देखिए, तो इस एग्जांपल में देखिए रिकर्शन है, इस ग्रामर में आपका लेफ्ट रिकर्शन है, यहाँ पर देखिए इस ग्रामर में आपका लेफ्ट रिकर्शन है, हम ऐसा बोल सकते हैं इस ग्रामर में आपका लेफ्ट रिकर्शन प्रेजेंट है और ये ग्रामर आपका एम्बिगस है, ये ग्रामर आपका एम्बिगस होगी क्योंकि देखिए ये ग्रामर कंटेन कर रही है इस ग्रामर को। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ग्रामर जो हमने यहाँ पर लिखा था ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है इस ग्रामर के अंदर। अब चूंकि ये ग्रामर आपका एम्बिगस है तो ये ग्रामर भी आपका एम्बिगस होगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं अगर किसी भी ग्रामर में एस एरो एस एस स्लैश लैम्डा वाला अगर प्रोडक्शन है तो ग्रामर डेफिनेटली एम्बिगस हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप कोई भी ग्रामर ले रहे हैं और किसी भी ग्रामर में इस टाइप का कोई प्रोडक्शन है ए एरो ए ए स्लैश लैम्डा, ठीक है ना, या मान लीजिए वेरिएबल एरो वेरिएबल वेरिएबल स्लैश लैम्डा, अगर किसी भी ग्रामर में आपका इस टाइप का कोई भी प्रोडक्शन आपको दिख जाता है तो आप वहां पर देख करके उस ग्रामर को डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो ग्रामर आपका एम्बिगस होगी क्योंकि उसके लिए मोर देन वन पार्स ट्री हो सकते हैं क्योंकि आप उसके लिए कोई भी स्ट्रिंग लेकर के कोई पार्स ट्री बनाइए और उसमें आप इसका यूज कीजिए। तो इसको देखिए हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम वी एरो लैम्डा यूज कर लेंगे या फिर हम इस तरीके से यूज कर लेंगे वी वी एंड देन लैम्डा लैम्डा। तो वहां पर आप जो उसके लिए पार्स ट्री बनाएंगे वहां पर आप उस पार्स ट्री में आप इंटरनली इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, तो वहां पर टू डिफरेंट पार्स ट्री हो जाएंगे, ठीक है ना। इंटरनली आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं या वी को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, तो वहां पर टू डिफरेंट पार्स ट्री उसके लिए हो जाएंगे या मोर देन टू भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी भी ग्रामर में वी एरो वी वी स्लैश लैम्डा टाइप का कोई प्रोडक्शन आपको दिख जाता है तो वो ग्रामर भी एम्बिगस हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए ग्रामर जीवन आपका एम्बिगस है, ग्रामर जीवन जो है वो आपका एम्बिगस है, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपको पता है कि ग्रामर जीवन आपका एम्बिगस है और मान लीजिए आपने ग्रामर G2 निकाला और वो सुपर सेट है इस जीवन का, तो G2 ग्रामर भी आपका एम्बिगस होगी। सुपर सेट होने से मेरा यहाँ पर क्या मतलब, सुपर सेट होने से मेरा यहाँ पर ये मतलब है कि मान लीजिए जीवन ग्रामर में जो प्रोडक्शन सेट है वो मान लीजिए है आपका P1 और G2 ग्रामर में जो प्रोडक्शन सेट है वो मान लीजिए है आपका P2, तो P1 जो होगा वो सबसेट होगा प्रोडक्शन सेट P2 का। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जीवन ग्रामर अगर एम्बिगस है, ठीक है ना, तो G2 ग्रामर भी एम्बिगस हो जाएगी क्योंकि G1 ग्रामर जो है वो सबसेट है G2 ग्रामर का, ठीक है ना। तो अगर G1 ग्रामर में आपके P1 प्रोडक्शंस हैं और G2 ग्रामर में आपके P2 प्रोडक्शन है और P1 प्रोडक्शंस जो सेट है ये सबसेट है P2 प्रोडक्शन सेट का, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर G1 आपका एम्बिगस है तो G2 भी एम्बिगस होगी। लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में हम नहीं बोल सकते, रिवर्स डायरेक्शन में हम नहीं बोल सकते, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर G2 एम्बिगस है तो G1 भी एम्बिगस होगी, लेकिन इस डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं कि अगर G1 एम्बिगस है तो G2 भी आपका एम्बिगस होगी। तो जैसे कि आप इसके
केस में देख रहे हैं क्योंकि ये इसका सुपरसेट है, तो अगर ये एम्बिगस है तो ये भी आपका एम्बिगस हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट डिकर्शन भी है और ये ग्रामर आपका एम्बिगस है। अब जरा इसको देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, इसमें आपका लेफ्ट फैक्टरिंग है। देखिए इन दोनों में लेफ्ट फैक्टरिंग है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका लेफ्ट फैक्टरिंग है और क्या ये ग्रामर एम्बिगस होगी, क्या ये ग्रामर एम्बिगस होगी, ये ग्रामर आपका एम्बिगस नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसकी लैंग्वेज निकालें, इस ग्रामर की लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इस ग्रामर की लैंग्वेज में केवल टू ही स्ट्रिंग्स होंगी। फर्स्ट स्ट्रिंग हो जाएगा ए और सेकंड स्ट्रिंग हो जाएगा आपका ए बी। अब देखिए ए के लिए आपको एक यूनिक पार्स ट्री मिलेगा और ए बी के लिए भी आपको यूनिक पार्स ट्री मिलेगा, तो मोर देन वन पार्स ट्री नहीं मिल रहे। इस स्ट्रिंग के लिए भी वन पार्स ट्री है, इस स्ट्रिंग के लिए भी वन पार्स ट्री है, तो हमसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट फैक्टरिंग है, लेकिन ये जो ग्रामर है वो अनएम्बिगस है, ठीक है ना। ये जो ग्रामर है आपका ये अनएम्बिगस है, लेफ्ट फैक्टरिंग है लेकिन फिर भी ये अनएम्बिगस है। अब जरा इस ग्रामर को देखिए, इस ग्रामर में क्या है आपका लेफ्ट फैक्टरिंग है, ये देखिए आपका ग्रामर में आपका लेफ्ट फैक्टरिंग है लेकिन ये ग्रामर आपका एम्बिगस हो जाएगा। तो इस ग्रामर में आपका लेफ्ट फैक्टरिंग है लेकिन ये आपका एम्बिगस ग्रामर है, क्योंकि देखिए स्ट्रिंग AB W इज इक्वल टू AB के लिए मोर देन वन पार्स ट्री यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्स ट्री आप इस तरीके से भी बना सकते हैं A एरो B, और दूसरा पार्स ट्री आप इस तरीके से बना सकते हैं AB देन B एरो B, तो मोर देन वन पार्स ट्री एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए ये आपका एम्बिगस हो जाएगा। तो यहां पर क्या है आपका लेफ्ट फैक्टरिंग है और ये ग्रामर आपका एम्बिगस है, ठीक है ना। अब जरा इस ग्रामर को देखिए, क्या इस ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग है, नहीं इस ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है। क्या इस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है, नहीं इस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन भी नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस ग्रामर में ना तो आपका लेफ्ट रिकर्शन है नहीं लेफ्ट फैक्टरिंग है। अब चेक करते हैं क्या ये ग्रामर एम्बिगस है, ये ग्रामर आपका एम्बिगस है, क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू ए लेते हैं तो इसके लिए मोर देन वन पार्स ट्री एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट पार्स ट्री हो जाएगा ए ए देन ए एरो ए, और सेकंड पार्स ट्री हो जाएगा बी ए एट देन बी एरो बी ए। तो यहाँ पर मोर देन वन पार्स ट्री एग्जिस्ट करते हैं तो ये आपका एम्बिगस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये ग्रामर एम्बिगस है लेकिन यहां पर लेफ्ट रिकर्शन भी नहीं है और यहां पर लेफ्ट फैक्टरिंग भी नहीं है। अब देखिए यहां पर हमने सारे केसेस कवर कर लिए लेकिन एक केस आपका अभी भी कवर नहीं हुआ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ग्रामर में आपका लेफ्ट रिकर्शन हो लेकिन वो एम्बिगस ना हो, लेफ्ट रिकर्शन हो लेकिन वो एम्बिगस ना हो? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक ग्रामर लिख रहे हैं एस एरो एस ए स्लैश लैम्डा, इस ग्रामर में देखिए क्या है आपका लेफ्ट रिकर्शन है, इस ग्रामर में आपका लेफ्ट रिकर्शन है लेकिन ये आपका अनएम्बिगस ग्रामर है, ठीक है ना। ये आपका लेफ्ट रिकर्शन है लेकिन अनएम्बिगस ग्रामर है। आप इसमें से कोई भी स्ट्रिंग उठाइए आपको यूनिक पार्स ट्री यहाँ पर मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन भी हो और लेफ्ट फैक्टरिंग भी हो और वो ग्रामर आपका अनएम्बिगस हो? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, मान लीजिए कि हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं एस एरो एस ए, ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया आपका लेफ्ट रिकर्शन आ चुका है स्लैस लैम्डा। अब लेफ्ट फैक्टरिंग और मान लीजिए हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं ए लेट्स से कैपिटल डी देन बी एरो स्मॉल बी डी एरो स्मॉल डी। जैसे कि इस ग्रामर को देखिए, इस ग्रामर में आपका लेफ्ट रिकर्शन भी है और इस ग्रामर में आपका लेफ्ट फैक्टरिंग भी है। ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन भी है और ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग भी है। तो अब जरा चेक करते हैं क्या ये ग्रामर आपका एम्बिगस होगी? नहीं, ये ग्रामर आपका एम्बिगस नहीं होगी क्योंकि आप इसके इसमें ऐसे कोई स्ट्रिंग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जिसके लिए मोर देन वन पार्स ट्री हो, ठीक है ना। तो ये ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव भी है, लेफ्ट फैक्टरिंग भी है लेकिन फिर भी ये आपका एक अनएम्बिगस ग्रामर है। तो जरूरी नहीं है कि आपका लेफ्ट रिकर्शन या लेफ्ट फैक्टरिंग की वजह से आपका ग्रामर एम्बिगस हो। देखिए ग्रामर आपका एम्बिगस हो सकती है, उसके एम्बिगस होने के कई रीजन हो सकते हैं। उसके एम्बिगस होने का एक रीजन हो सकता है कि उसमें लेफ्ट रिकर्शन की वजह से ग्रामर एम्बिगस हो, या दूसरा रीजन हो सकता है कि लेफ्ट फैक्टरिंग की वजह से ग्रामर एम्बिगस हो, या हो सकता है कि आपका प्रायोरिटी या एसोसिएटिविटी की वजह से आपकी ग्रामर एम्बिगस हो, या उसके एम्बिगस होने के और भी कई रीजन हो सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब अगर एक ग्रामर एम्बिगस है और अगर आप उसके एम्बिगस होने का रीजन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो अगर आप उस प्रॉब्लम को या उसके एम्बिगस होने के रीजन को वहां पर अगर एलिमिनेट या रिमूव कर सकते हैं तो वो ग्रामर फिर अनएम्बिगस हो जाएगी। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप कुछ एम्बिगस ग्रामर को कन्वर्ट कर सकते हैं अनएम्बिगस ग्रामर में। देखिए हमने यहां पर ये नहीं बोला है कि हम सभी एम्बिगस ग्रामर को कन्वर्ट कर सकते हैं अनएम्बिगस ग्रामर में, हमने यहां पर ये बोला है कि आप कुछ एम्बिगस ग्रामर को अनएम्बिगस ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेदर तो हमारे पास ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जिसको कि हम अप्लाई करें और आपका एक एम्बिगस ग्रामर को हम अनएम्बिगस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना। क्योंकि हम सभी एम्बिगस ग्रामर को कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम कुछ ही एम्बिगस ग्रामर को अनएम्बिगस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो कन्वर्जन प्रोसीजर है एम्बिगस टू अनएम्बिगस, ये अनडिसाइडेबल प्रोसेस अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारे पास कोई एल्गोरिथम या ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जिसको कि हम फॉलो करें और एक एम्बिगस ग्रामर अनएम्बिगस में कन्वर्ट हो जाए।
जैसे कि इसी केस में देखिए, यहां पर जो ग्रामर जो आपकी एम्बिगस थी, इसके एम्बिगस होने का रीजन था लेफ्ट फैक्टरिंग। तो अगर हम यहां पर लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव कर दें तो ये ग्रामर आपका अनएम्बिगस हो जाएगी, ठीक है ना। अब लेफ्ट फैक्टरिंग को हम यहां पर इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं कि मान लीजिए हम इसको हटा भी सकते हैं। देखिए इसकी क्या जरूरत थी, इस ग्रामर की लैंग्वेज क्या है, इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है, इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है वो है आपका ए स्टार, इस ग्रामर की लैंग्वेज है ए स्टार। तो इस इक्विलेंट, तो इसके इक्विलेंट हम एक और ग्रामर लिख सकते हैं, इसके इक्विलेंट ग्रामर क्या हो जाएगा, ए एस स्लैश ए, या इसके इक्विलेंट दूसरी ग्रामर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एस एरो एस ए स्लैश ए। इसके इक्विलेंट जो ग्रामर आप लिखेंगे उसमें आपका यहाँ पर लेमडा भी लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पर क्या पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पर लेमडा पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये ग्रामर आपका एम्बिगस हो गई थी ड्यू टू दिस लेफ्ट फैक्टरिंग, तो हम यहाँ पर लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव कर देंगे तो ये ग्रामर आपका अनएम्बिगस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट फैक्टरिंग को हमने रिमूव कर दिया, तो देखिए अब इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है, तो ये आपका क्या है, अनएम्बिगस ग्रामर है, ठीक है ना। क्योंकि इसके एम्बिगस होने का रीजन क्या था, लेफ्ट फैक्टरिंग। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है वो भी आपका यही है, इस ग्रामर की लैंग्वेज भी सेम है, ठीक है ना। हम ऐसे बोल सकते हैं इन तीनों ही ग्रामर की, ये फर्स्ट ग्रामर, सेकंड ग्रामर एंड थर्ड ग्रामर, इन तीनों की लैंग्वेज सेम है, लेकिन ये एम्बिगस ग्रामर है, ये अनएम्बिगस ग्रामर है, और ये भी आपका एक अनएम्बिगस ग्रामर है, ठीक है ना। क्योंकि इसके एम्बिगस होने का रीजन था लेफ्ट फैक्टरिंग, जिसको कि हमने रिमूव कर दिया। इसके लिए एक और ग्रामर आप लिख सकते हैं, देखिए हम लेफ्ट फैक्टरिंग को यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करेंगे, देखिए लेफ्ट फैक्टरिंग को इस तरीके से रिमूव करेंगे, ये जो कॉमन फैक्टर है उसको हम कॉमन रखेंगे और अनकॉमन फैक्टर को अनकॉमन कर देंगे, कॉमन फैक्टर को कॉमन कर देंगे और अनकॉमन को अनकॉमन कर देंगे। देखिए लेफ्ट फैक्टरिंग हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी केवल आप इसको इस तरीके से समझिए कि कॉमन फैक्टर को हम कॉमन रख रहे हैं। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इसको तो अलग रखिए, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है स्मॉल ए, ये कॉमन हो गया, अनकॉमन को अनकॉमन कर देंगे, तो ये आपका अनकॉमन था, यहाँ कैपिटल एस और लेमडा ये अनकॉमन था। तो मान लीजिए हम एक नया वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं स्मॉल ए, ये आपका लेमडा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, लेमडा यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखिए इस ए के लिए लिख रहे हैं, ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल, यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल एस स्लैश, और यहाँ पर आपका क्या था, लेमडा, तो यहाँ पर हम लेमडा रख सकते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए कि हमने कॉमन पार्ट को कॉमन किया और अनकॉमन को हम अनकॉमन करेंगे, तो आपको ये ग्रामर आपको मिल जाएगी। अब जरा चेक करके बताइए क्या ये ग्रामर एम्बिगस है, तो स्ट्रिंग w इज इक्वल टू स्मॉल a के लिए चेक करते हैं, स्ट्रिंग w इज इक्वल टू स्मॉल a के लिए चेक करते हैं। तो स्मॉल a के लिए हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, ये वाला प्रोडक्शन मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं, a कैपिटल है, देन a एरो लैम्डा हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो ये आपका एक पार्ट हो जाएगा। और स्मॉल a के लिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए एस एरो स्मॉल a कैपिटल a, देन a एरो s, देन s एरो लैम्डा, ठीक है ना। तो फॉर स्ट्रिंग w इज इक्वल टू a, यहाँ पर आपके मोर देन वन पार्स ट्री एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर कैसी है आपके, ये ग्रामर आपके एम्बिगस ग्रामर है। तो ये जो ग्रामर है ये एम्बिगस है, ये अनएम्बिगस ग्रामर है, और ये भी आपका अनएम्बिगस ग्रामर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये जो इसके एम्बिगस होने का रीजन क्या था, लेफ्ट फैक्टरिंग, तो वो हमने रिमूव कर दिया, लेकिन रिमूव करने के बाद भी आपका ये वाली ग्रामर क्या है, एम्बिगस है, लेकिन इसके इक्विलेंट एक अनएम्बिगस ग्रामर एग्जिस्ट करती है। तो इसके इक्विलेंट एक अनएम्बिगस ग्रामर ये है, ये भी आप लिख सकते हैं, या इसको इस तरीके से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रामर अगर एम्बिगस है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी लैंग्वेज भी एम्बिगस हो। जैसे कि देखिए ये ग्रामर एम्बिगस है लेकिन ये लैंग्वेज अनएम्बिगस है, ये कौन सी लैंग्वेज है, ये रेगुलर लैंग्वेज है, तो रेगुलर लैंग्वेज कभी भी एम्बिगस नहीं हो सकती। देखिए रेगुलर ग्रामर या टाइप थ्री ग्रामर आपका एम्बिगस हो सकती है, लेकिन एक रेगुलर लैंग्वेज कभी भी एम्बिगस नहीं होगी, या रेगुलर लैंग्वेज इज ऑलवेज अनएम्बिगस, ठीक है ना। तो रेगुलर लैंग्वेज आपका अनएम्बिगस होगी, रेगुलर लैंग्वेज आपका हमेशा अनएम्बिगस होगी, लेकिन रेगुलर ग्रामर या टाइप थ्री ग्रामर आपका एम्बिगस हो सकती है। जैसे कि देखिए ये आपकी कौन सी ग्रामर है, ये एक टाइप थ्री ग्रामर है, लेकिन ये क्या है आपका एम्बिगस है, ये भी आपका टाइप थ्री ग्रामर है या रेगुलर ग्रामर है, लेकिन ये एम्बिगस है। तो टाइप थ्री ग्रामर या रेगुलर ग्रामर एम्बिगस हो सकती है, लेकिन एक रेगुलर लैंग्वेज कभी भी एम्बिगस नहीं होगी। इसलिए देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो आपका रेगुलर ग्रामर में भी आपका एम्बिगुटी की प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है, ठीक है ना। टू फाइंड आउट द वेदर गिवन रेगुलर ग्रामर इज अनएम्बिगस और एम्बिगस और अनएम्बिगस इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, ठीक है ना। टू फाइंड आउट वेदर द गिवन गिवन रेगुलर ग्रामर इज एम्बिगस और अनएम्बिगस इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये आपका रेगुलर ग्रामर के केस में भी अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, लेकिन रेगुलर लैंग्वेज के लिए ट्रिवियल प्रॉब्लम हो जाएगी, रेगुलर लैंग्वेज के लिए ट्रिवियल प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि हमने ग्रामर जी लिखा था और वो ग्रामर जी आपका एम्बिगस थी, लेकिन इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है, मान लीजिए ग्रामर है जी1, इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है वो अनएम्बिगस है, ठीक है ना। ग्रामर एम्बिगस है लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है, उस ग्रामर की जो लैंग्वेज है वो अनएम्बिगस है, तो मैं सपोज
सकते हैं कि इसके इक्विलेंट एक और ग्रामर जी टू हमेशा लिख सकते हैं जो कि अन एम्बिगस हो, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ग्रामर आपका एम्बिगस है लेकिन चूंकि उसका लैंग्वेज अन एम्बिगस है तो उस ग्रामर के इक्विलेंट हम एक और ग्रामर ऐसा लिख सकते हैं जो कि आपका अन एम्बिगस हो। जैसे कि इसी केस, इससे पिछले वाला केस देखिए, हमने इसके इक्विलेंट एक और ग्रामर लिखी थी जो कि आपका अन एम्बिगस है। जैसे इस केस में देखेंगे लैंग्वेज क्या है, यहाँ पर लैंग्वेज क्या है, इस ग्रामर की लैंग्वेज है आपका ए एस्ट्रिक। तो चूंकि आपका लैंग्वेज ही रेगुलर लैंग्वेज है तो रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है आपका ऑलवेज अन एम्बिगस होती है, ठीक है ना। तो रेगुलर लैंग्वेज जब आपका अन एम्बिगस होती है तो इसके इक्विलेंट एक अन एम्बिगस ग्रामर एग्जिस्ट करती होगी, तो इसके इक्विलेंट अन एम्बिगस ग्रामर क्या हो जाएगा, तो इसके इक्विवेलेंट अन एम्बिगस ग्रामर आपका ये हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी लैंग्वेज भी यही है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेगुलर ग्रामर अगर आपका अन एम्बिगस है, एक रेगुलर ग्रामर अगर आपका एम्बिगस है तो इसके इक्विवेलेंट एक अन एम्बिगस ग्रामर आपका ऑलवेज एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो रेगुलर ग्रामर या जो टाइप थ्री ग्रामर है वो मान लीजिए कि आपका एम्बिगस है लेकिन चूंकि रेगुलर लैंग्वेज आपका अन एम्बिगस होती है तो उस एम्बिगस रेगुलर ग्रामर की जो लैंग्वेज होगी जिसको कि हम रेगुलर लैंग्वेज बोलेंगे वो आपका हमेशा अनएम्बिगस होगी। अब चूंकि वो लैंग्वेज अनएम्बिगस है तो उसके इक्विवेलेंट एक अनएम्बिगस ग्रामर भी एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि उस एम्बिगस रेगुलर ग्रामर के इक्विवेलेंट एक अनएम्बिगस ग्रामर आपका एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है। एक एम्बिगस रेगुलर ग्रामर के इक्विवेलेंट एक अनएम्बिगस रेगुलर ग्रामर आपका ऑलवेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ग्रामर आपका एम्बिगस है इसका ये मतलब नहीं है कि उस ग्रामर की लैंग्वेज भी एम्बिगस हो। हो सकता है कि वो ग्रामर आपका एम्बिगस हो लेकिन लैंग्वेज अनएम्बिगस हो। अब चूंकि आपका लैंग्वेज अनएम्बिगस है तो उस अनएम्बिगस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग एटलीस्ट वन अनएम्बिगस ग्रामर एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है ना। देखिए जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं लैंग्वेज एम्बिगस होने का क्या मतलब है, इनहेरेंटली एम्बिगस लैंग्वेज होने का क्या मतलब है। इनहेरेंटली एम्बिगस लैंग्वेज होने का मतलब यह है कि उस लैंग्वेज को ड्राइव करने वाली सभी ग्रामर्स आपका एम्बिगस हो। तो अगर लैंग्वेज एम्बिगस है तो उस लैंग्वेज को ड्राइव करने वाली सभी ग्रामर्स भी एम्बिगस होंगी, ठीक। लेकिन लैंग्वेज अगर अनएम्बिगस है तो वहां पर क्या क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि उस अनएम्बिगस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग कुछ ग्रामर एम्बिगस हो और कुछ अनएम्बिगस ग्रामर हो, या ऐसा हो सकता है कि उस अनएम्बिगस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग जितनी भी ग्रामर हो वो सभी आपका अनएम्बिगस हो, ठीक है। अब जैसे कि इस ग्रामर को देखिए, ये ग्रामर भी आपका एक एम्बिगस ग्रामर है क्योंकि स्ट्रिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू ए के लिए मोर देन वन पार्स ट्री एग्जिस्ट करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे, एस ए एस, और मान लीजिए यहां पर हम ले रहे हैं एस ए एस। अब मान लीजिए यहाँ पर हम एस की जगह पर लेमडा ले लेते हैं और यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ पर हम ए ले लेते हैं और यहाँ पर लेमडा ले लेते हैं, तो फॉर स्ट्रिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू ए के लिए वी हैव मोर देन वन पार्स ट्री, हम बोलेंगे कि ग्रामर आपका एम्बिगस होगी।